सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। MIUI के लेटेस्ट अपडेट्स भले ना आए ऐसा Zenfone Max Pro M2 के लिए, बट दूसरी कस्टम रॉम्स ज़रूर आती हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ हमारे Pixel Experience रॉम का, जो कि Android 12 पर बेस्ड मिल जाती है और हमारे ऐसा Zenfone Max Pro M2 के लिए बेस्ड है ये। और मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसमें क्या खास आपको मिल जाता है, कैमरा वगैरह इसमें है, कौन सा क्या चीज़ मिल जाती है, कर्नल वर्जन वगैरह, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें दोस्तों अगर इस रॉम के लिए, अगर ASUS ZenFone Max Pro M2 के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बट इसमें दोस्तों ब्लूटूथ ऑडियो का थोड़ा सा आपको बग देखने को ज़रूर मिलेगा। हालांकि कुछ कुछ डिवाइस में वो चीज़ आपको शो होगी बट नहीं होगी, जैसे मेरे में शो नहीं हुई। बट इसका जो ऑफिशियल ग्रुप है Pixel Experience का, उसमें आपको ज़रूर, उसमें कुछ लोगों ने लोग कंप्लेन की कि आपको उसका बग मिल जाता है। और बाकी बात करें दोस्तों, ये एंड्रॉयड 12 पर बेस मिल जाती है और इसमें दोस्तों बाकी आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह। और मैं इसका जो मेनली इसका जो डिफ़ॉल्ट वाला स्क्रीन रिकॉर्डर मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड अबाउट फ़ोन में दोस्तों आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह अगर आपको देखना है तो टैप टू शो इन्फो पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको। एंड्रॉयड 12 वर्जन आपको मिल जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं आपको यहाँ पे 5 जनवरी 2022 का मिल जाता है, जो कि अभी लेटेस्ट है। और इसका अभी एक और नया बिल्ड आ गया है जो कि मैंने अभी नहीं किया, एंड उसके बारे में दोस्तों मैं आपको 15-20 दिन बाद बताऊँगा, जिससे आपको उसमें और भी चीज़ें जो भी हैं मैं उसके बारे में ओवरऑल देख के फिर रिव्यू करूँगा यूज़ करने के बाद। एंड आईपी एड्रेस वगैरह दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है, वाईफाई वगैरह जो भी है इसमें। एंड अप टाइम देख सकते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग ही की है मतलब यूज़ करना हुआ, तो मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब बात करें दोस्तों बाकी अदर फीचर्स की, इसमें तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको सारी चीज़ें वर्किंग मिल जाती हैं, हॉटस्पॉट वगैरह सारी चीज़ें। एंड VPN भी आप अगर यूज़ करें तो वो भी आपको वर्किंग मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं देख सकते हैं मैंने गेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, आप नेविगेशन बार भी यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन बटन्स, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मेरे को आदत पड़ चुकी है गेस्चर्स बार की, तो मैं गेस्चर्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिकॉज उसका अलग ही एक मोशन होता है, मतलब वो अलग ही फील देता है आपको यूज़ करने में। फुल स्क्रीन डिस्प्ले दोस्तों अलग ही मज़ा आ जाता है जब वो यूज़ करिए तो। एंड बाकी दोस्तों बात करें स्टोरेज में, तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिस्टम की स्टोरेज दिखा दूँ तो यहाँ पे सिस्टम देख सकते हैं 6.2 GB का ही आपको मिलता है, बिकॉज इसमें आपको सारी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। एंड एंड्रॉयड 12 है तो आप ऑफकोर्स एंड्रॉयड वगैरह के जो फोल्डर्स वगैरह हैं वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, नो बी पेस्ट फाइल्स नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, उसके लिए आपको मी एक्सप्लोरर वगैरह जो है वो सब यूज़ करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों डार्क मोड वगैरह भी आपको मिल जाता है अगर आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं डार्क थीम यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए, और ब्राइटनेस वगैरह का जो अलग ही आपको इफ़ेक्ट मिलता है, मतलब चेंज करने का सेटिंग्स जो मिलती है वो भी आपको बहुत ही तगड़ी मिलती है, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। बिकॉज इसने जो एंड्रॉयड 12 में जो इंटरफेस आया इसमें इतना तगड़ा इंटरफेस आया जो कि एंड्रॉयड 11 वगैरह में नहीं आया एज़ कम्पेयर्ड, तो मेरे को ज़्यादा एंड्रॉयड 12 ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल में देख सकते हो, जो भी दोस्तों आपको पूरे पिक्सल रॉम का ये कस्टमाइज वर्जन है, क्योंकि पिक्सल रॉम से डायरेक्ट पोर्टेड रॉम है ये बट विद चेंजेस, तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड गूगल फोटोज़ की भी बात करूँगा मैं दोस्तों, तो गूगल फोटोज़ में भी आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है, पिक्सल रॉम का एडिशन है इसलिए, तो आप वो उसका भी फायदा उठा सकते हैं कोई भी मेल आईडी में। हाँ बट याद रखिएगा कि अगर आप किसी और फोन में वापस वो कर लेते हैं तो वहां से फिर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलेगी, आपको इसी फोन के आप कर पाएंगे जितना आपको स्टोर करना है। तो मैं बोलूंगा आप उसके लिए यूज करिएगा, आपको काफी मजा आएगा। एंड यहाँ पे पासवर्ड एंड अकाउंट वगैरह। एंड दोस्तों मैं बात करूँ डिजिटल वेलबिंग भी, तो ये भी आपको टोटली वर्किंग मिल जाता है। एंड इसमें प्राइवेसी सिक्योरिटी में आपको फेस अनलॉक वगैरह सारी चीज़ें वर्किंग मिल जाती हैं, तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन मैंने किया है, 2-बटन नेविगेशन भी होता है एंड 3-बटन नेविगेशन भी होता है, तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। एंड यहाँ पे बैकअप सिस्टम अपडेट वगैरह, जो आप सिस्टम अपडेट पर मत जाइएगा, कॉज सिस्टम अपडेट इसमें नहीं आएगा।
तो एंड बाकी दोस्तों बात करें इसके होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन में आपको कुछ नहीं मिलता है। एंड कैमरा इसमें गूगल कैमरा गो एडिशन इसमें इंस्टॉल किया गया है। बिकॉज मेरे को उसे गूगल कैमरा गो एडिशन इतना नहीं पसंद, तो मैं बोलूँगा आपको कोई जी एम दूसरा इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर इसमें मी वाई ANX कैमरा होता है आप वो इंस्टॉल कर लीजिए, वो भी आपको इसमें टोटली परफेक्टली वर्किंग मिल जाएगा। और मेरे को मैं बोलूँगा वही इंस्टॉल करिए, बिकॉज इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है जो फीचर्स हैं वो अलग ही बेहतरीन लेवल के मिल जाते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको वो यूज़ करने में। एंड यहाँ पर आपको इसमें जो आइकन्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ प्ले स्टोर की बात करते हैं दोस्तों अब, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहली बार तो मैं आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। एंड बाकी अबाउट प्ले स्टोर के बताऊँ तो डिवाइस सर्टिफाइड मिल जाता है, बिकॉज ये डायरेक्ट पोर्टेड रॉम है, तो आपको इसमें गूगल प्ले वगैरह के लिए तो मैजिक्स वगैरह रूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अनरूटेड भी है, कायदे से रॉम जो है ये अनरूटेड मिल जाता है, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। एंड ऐप्स दोस्तों जैसे कि एंड्रॉयड 12 है, तो सब हर एक ऐप का आपको इसमें अपडेट और पहले से ही मिलेगा, तो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, बिकॉज ये January 2022 का है। एंड इसके जो नया वर्जन है उसमें भी अच्छा है, बट उसमें मेरे को देखने पड़ेंगे कि क्या क्या बग्स हैं, उसके बाद ही मैं रिव्यू करना पसंद करूँगा। मैं इसलिए पिक्सल रॉम का इतना फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज बहुत सारी मतलब कोई भी जो कस्टम रॉम्स है उसमें इतने फीचर्स नहीं रहते जितने MIUI में रहते हैं। एंड ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 के लिए दोस्तों जितनी अच्छी परफॉर्मेंस MIUI की रॉम दे रही है वो और किसी रॉम नहीं दे रही है। बिकॉज क्यों किया, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बहुत सी डिटेल्स दी हुई हैं कि बहुत सारी रॉम्स जो हैं दोस्तों उसमें आपको एंटूटू स्कोर वगैरह इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता एज़ कम्पेयर टू स्टॉक रॉम वगैरह या फिर और MIUI रॉम्स हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में वन प्लस वगैरह का किया था, तो उसमें भी आपको इतना अच्छा नहीं मिला था। एंड बाकी इसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप एंड सिंस में लिखा हुआ अनलिमिटेड स्टोरेज फॉर फुल रेजोल्यूशन फोटोज़ एंड वीडियोज़ अपलोडेड फ्रॉम योर पिक्सल, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी तो उसका अलग ही मज़ा रहने वाला है, तो आप यूज़ करिए। एंड बाकी दोस्तों इसके एंटूटू स्कोर वगैरह के बारे में बताऊंगा मैं अभी, तो फिलहाल इसको साइड करते हैं, चलते हैं दूसरी चीज़ पे। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस को, तो आपको एज स्टॉक रॉम है तो काफ़ी अच्छी स्मूथ रॉम मिल जाएगी एंड फास्ट। आप ओपनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर भी वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में, तो भी उसके हिसाब से भी अच्छा मिल जाता है। एंटूटू स्कोर की बात करूँ, एंटूटू स्कोर दोस्तों 1,41,000 जो कि कम है, काफ़ी कम मिल जाता है अगर देखा जाए पिक्सल रॉम की। अब मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें GB वाला जो है GPU का काफ़ी कस्टम रॉम, जैसे और भी फ़ोन्स हैं तो उसमें ये GPU को नॉट सपोर्टेड वगैरह बताते हैं, उसमें भी सेम चीज़ आई नॉट सपोर्टेड। हालांकि मैंने इसका मेन वाला एंटूटू बेंचमार्क लाइट इसमें सपोर्ट होता है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 के लिए, बट मैंने एंटूटू बेंचमार्क का मेन वाला डाउनलोड किया एंटूटू 3D बेंच, उसमें वो सपोर्टेड ही नहीं हुआ, तो आपको उसके लिए एंटूटू 3D बेंच लाइट ही डाउनलोड करना पड़ेगा इन सब फ़ोन्स के लिए, ऐसे क्योंकि इनका प्रोसेसर स्मॉल है तो उसके लिए। एंड बाकी दोस्तों चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको गूगल फोन डायलर वगैरह सारी आपको टोटली वर्किंग मिल जाती है, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा। एंड इसमें बहुत सी चीज़ें आपको कस्टमाइजेशन की मिल जाती है यहाँ पे। एंड गूगल कैमरा गो की बात करूँ तो ये भी दोस्तों आपको नाइट मोड वगैरह इसमें आपको वर्किंग मिल जाता है, जैसे कि मैंने अभी बंद किया हुआ है सब, तो बिकॉज मैं यूज़ नहीं कर रहा कैमरा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे मैं जो पावर बैंक देख सकते हैं आपको यहाँ पे तो परफेक्टली वर्किंग मिल जाता है गूगल कैमरा, तो आपको उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले। एंड बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर भी परफेक्टली वर्क कर रखा है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर ही इसका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिस्टम UI वगैरह के ऑप्शन एंड्रॉयड 12 दोस्तों मज़ा आ जाएगा दोस्तों, अगर एंड्रॉयड 12 अगर आप यूज़ करेंगे पिक्सल या एक्सपीरियंस रॉम तो बहुत मज़ा आएगा। हालांकि मैं जैसे कि ब्लूटूथ यूज़ करता हूँ ब्लूटूथ TWS, तो उसके कारण मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करना मैंने बंद कर दिया, और इसमें बग मिल जाता है ब्लूटूथ का। हालांकि मैंने जब फर्स्ट बार किया तो उसमें नहीं मिला, बट इसमें मिला। एंड बाकी दोस्तों एंड्रॉयड वगैरह की सेटिंग्स है, जैसे कि हमें स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करनी पड़ती है तो उसमें आप माइक नहीं यूज़ हो पाता, जैसे कि एंड मैं गेम वगैरह भी खेलता हूँ उनके भी गेम प्ले वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें भी इशूज़ मिलना आता है, तो मैं नहीं कर पाया। एंड बाकी दोस्तों बात करें और क्या चीज़ की, इसमें दोस्तों वॉलपेपर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं आपको क्या कौन से मिल जाते हैं। एंड गूगल असिस्टेंट मैंने ट्राई नहीं किया इसमें यूज़ करने का। एंड बाकी दोस्तों यहाँ पे माइक एक्सेस कैमरा एक्सेस यहाँ पे आपको इतनी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। एंड बाकी आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो माइक एक्सेस कैमरा एक्सेस आप बंद कर देंगे तो आपको कोई भी ऐप को माइक एक्सेस और कैमरा एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड बाकी दोस्तों सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, डार्क मोड वगैरह जो मैंने बताया जैसे पहले से ही वर्किंग मिल जाता है। एंड इसमें जो भी सेटिंग्स हैं दोस्तों आपको सारी अच्छी फाइन मिल जाती है। एंड इसका जो रॉम है दोस्तों रॉम काफ़ी तगड़ी मिल जाती है, 1.5 GB की मिलती है। एंड बाकी आपको और गूगल के ऐप्स अगर इंस्टॉल करना है तो आप वो कर सकते हैं, नेक्स्ट जी ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको इंस्टॉल करने का दोस्तों सीधा तरीका बताऊँ, जैसे आप सारी रॉम्स इंस्टॉल करते हैं भले आप एंड्रॉयड 10 वाले हो,
तो वैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बस याद रखिए जो आपकी जो प्री इंस्टॉल रॉम है वो नॉट इनक्रिप्टेड ही हो, अगर इनक्रिप्टेड है तो आपका फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ेगा टोटली। एंड TWRP में दोस्तों वही मैं बोलूँगा TWRP ही यूज़ करिए, एज मैं TWRP ही यूज़ करता हूँ इसको फ्लैश करने के लिए सारी रॉम्स। एंड मैंने जैसे कि एंड्रॉइड 10 पे चल रहा था, मैंने जैसे वन प्लस वाली यूज़ की रॉम, तो उसके बाद 1+70 की, तो उसके बाद मैंने इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर दी इसमें एंड्रॉइड 12 एंड ये परफेक्टली फाइन चल रहा है, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं मिल जाते। हालांकि दोस्तों बूट एनिमेशन दोस्तों बूट इमेज आप मैं बोलूँगा कि आप पहले तो जिप फाइल निकाल लीजिएगा बूट इमेज की। एंड काफ़ी बार ये देखिएगा ये दोस्तों ऐसी रॉम निकली है जो कि सबसे पहले सबसे फास्ट बूट हो गई थी। एंड इसमें जैसे कि और रॉम से उसमें काफ़ी टाइम लेता है, फास्ट से 5 से 10 मिनट, बट इस रॉम में दोस्तों आपको मिनिमम बता रहा हूँ 1 मिनट ही लेगा एंड पूरी बूट होकर आपको सामने ले आ देगा, सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो इसने इतनी जल्दी मेरे को एक्सपीरियंस मतलब इतनी फास्ट एक्सेस दिया तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगा ये चीज़ इसका, बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने बूट होने के। तो फिलहाल वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।